इंदौर में लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा बेचने वाले तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। दरअसल यह मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की मुखबिर से सूचना मिली कि उज्जैन के रास्ते कुछ युवक नशीले मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दो युवकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम सौरभ और गौरव देसाई बताया, जो उज्जैन के रहने वाले हैं। वहीं तलाश में दोनों आरोपियों के पास कुल 16 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों ही आरोपियों से अन्य और भी तस्करों की जानकारी जुटा रही है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। कल सूचना के आधार पर लगभग क्राइम ब्रांच की टीम एवं थाना हीरानगर की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें उज्जैन का सौरभ व आपका गौरव देसाई, जो हीरानगर के क्षेत्र का था, ये ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और इनसे लगभग 16 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। इसके अलावा चार अन्य व्यक्तियों को भी ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्रीमान DIG महोदय के आदेश अनुसार और उनके निर्देशन में ये सख्त कार्रवाई की गई है। हाँ, अभी पूछताछ की जा रही है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और हमारी पूछताछ जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।